दोस्तों बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अभी अभी तीन बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। अगर आप भी कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्र हैं तो आज किस वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना, मिस ना हो। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताएं ताकि राज्य से जुड़ी जो भी बड़ी खबर निकल कर आए हम आप तक पहुंचा सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर को। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है, उससे पहले मैं आपके लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज दे दूं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों आज हाईकोर्ट के अंदर एक याचिका दायर हुई है जिसके अंदर कहा गया है कि बोर्ड की परीक्षा के लिए छात्रों से ली गई जो फीस है उसे वापस करें। और दोस्तों इस याचिका को दायर करने वाली एक वकील दीपा जोसेफ है जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है और जो कि एक बच्चे की माँ भी है। दोस्तों उन्होंने अपनी याचिका के अंदर कहा है कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है इसीलिए बोर्ड द्वारा एकत्र राशि अनुचित है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों आज की दूसरी और सबसे बड़ी खबर को। दोस्तों अब धीरे धीरे सभी राज्य अपने रिजल्ट को घोषित करने की तैयारी में लग गए हैं। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर ने शुरुआत कर दी है, कक्षा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट मंगलवार को जम्मू कश्मीर ने घोषित कर दिया है। और दोस्तों सभी राज्य धीरे धीरे करके अपने छात्रों का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में लगे हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों आपका रिजल्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की तीसरी और सबसे बड़ी खबर को। जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कई राज्यों ने अभी तक अपने रिजल्ट का फॉर्मूला तो तैयार कर लिया था लेकिन दोस्तों इसी बीच उत्तराखंड ने अभी तक नहीं किया था। लेकिन दोस्तों अब उत्तराखंड ने भी अपने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। तो दोस्तों उत्तराखंड के छात्रों के लिए आज की बहुत ही बड़ी खबर है। और दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियो को देखने के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ताजा खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।